पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल ने आज गाजियाबाद जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार के संबोधित करते हुए था, जिसमें ई कॉमर्स कंपनियों के विशेष रूप से ऑनलाइन कंपनियों द्वारा बहुत ही सस्ते दामों में अपना सामान बेच रही हैं। इसी के साथ ही ग्रोफर जैसी कंपनियों में मार्केट में आ गई हैं, जो FNG के प्रोडक्ट भी बहुत सस्ते दामों में बेच रही है, जिसकी वजह से गाजियाबाद के व्यापारियों का व्यापार बिल्कुल खत्म हो चुका है। प्रदेश महासचिव पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल, आप यहाँ डीएम कार्यालय पे आए थे, कोई ज्ञापन दिया है, किस लिए ज्ञापन दिया है? आज जो है हमारे व्यापार मंडल और कैट जो हमारी देश की राष्ट्रीय संस्था है, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के खिलाफ जो है ये ज्ञापन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नाम जो है जिलाधिकारी के माध्यम से भेज रहे हैं हम। और उसके अंदर हमने मांग की है कि ये जो माल सस्ता बेच रहे हैं और 60,000 करोड़ रुपये का जो इन्होंने नुकसान उठाया है, वो पैसा कहाँ से आया है? ना तो भारत सरकार को GST मिल रहा है, ना आयकर मिल रहा है, और कम से कम भी हमारे 1,00,000 दुकानें जो हैं वो दिवाली के आसपास जो है FMGC की, इलेक्ट्रॉनिक की और टेलीकॉम की बंद हो चुकी है। अब आने वाले टाइम में जो है सौंदर्य प्रसाधन की भी दुकानें जो है बंद हो जाएंगी, जिससे जो है हमारे व्यापारी सड़कों पर आ जाएंगे और व्यापार के अंदर जो है एकदम त्राही त्राही मच जाएगी। जी, अभी मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन के लोगों का भी ये आरोप है कि जिला प्रशासन ने छापेमारी की, उनके यहाँ से पुराने मोबाइल रिपेयरिंग के लिए जो आते हैं वो भी उठा के लिया और नए मोबाइल भी लिया है। देखिए, ये प्रशासन ने छापा मारा है, प्रशासन का ये कहना है कि चोरी के मोबाइल जो है लोग खरीद लेते हैं, अगर उनमें कोई दिक्कत होती है तो उन्हें रिपेयर कराने ले जाते हैं। उनकी मंशा सिर्फ इतनी है कि फ़ोन जो है वो ओरिजिनल उसका बिल अपने पास रखें, अगर वो उस रीसेल में भी लेते हैं। इस संबंध में जो है हमने माननीय अधिकारी से बात करी है, अभी जिला टेलीकॉम एसोसिएशन के माध्यम से, तो उन्होंने कहा है कि भविष्य में वो इसका पालन करें, जो फ़ोन डीसील हुए हैं उनकी सील खोलने का प्रयास किया जाएगा, उनको वापस मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित जैन है। अंकित जी, क्या काम करते हैं? मैं मोबाइल विक्रेता हूँ गाजियाबाद में। अभी हाल ही में शनिवार को जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से मोबाइल विक्रेताओं के यहाँ छापेमारी की गई थी, जिसके अंदर पुराने मोबाइल और नए मोबाइल तक पुलिस उठा के ले आई, तो क्या इसी वजह से आप ज्ञापन देने के लिए आए हैं? हाँ बिल्कुल सर, इस बार उसमें देने आए हैं, दोनों में देने आए हैं। ऑनलाइन के जो खिलाफ एक हमारी मुहिम चल रही है, उसमें भी हमारा समर्थन है मोबाइल एसोसिएशन की तरफ से, और जो पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को प्रताड़ित किया है और बेवजह हमें परेशान करने के लिए पुराने मोबाइल के बारे में हमें उठाया गया या परेशान करा गया, ना ही उसमें कोई एडवाइजरी जारी करी, तो हमें पूरी जानकारी दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रशासन की तरफ से कोई इसको सहयोग करने में कोई पीछे नहीं है। प्रशासन ने अभी रविवार को एक एडवाइस जारी की है, जिसमें कहा गया है कि हर मोबाइल विक्रेता जिनका मोबाइल रिपेयरिंग होने आएगा, उनका आधार कार्ड या कोई आईडी लेगा, उसके बाद में ही उसका मोबाइल रिपेयर करेगा, वो नए मोबाइलों के लिए भी यही प्रावधान। नए मोबाइलों के लिए नहीं है? नए मोबाइलों के लिए हम ये नहीं चाहते, क्योंकि नए मोबाइल में कोई भी ग्राहक होता है तो उसी को गिफ्ट करना होता है, किसी को कहीं देना होता है, तो वो उसमें ग्राहक उसमें खुश नहीं है, जिससे कि हमारी दुकानदारी पे भी असर पड़ता है। अगर ये चीज़ जारी होना चाहिए तो वो सब जगह जारी होना चाहिए, इंडिया लेवल पे हो, ऑल इंडिया लेवल पे हो, या कोई भी एक तैयार किया जाए मुहिम या एडवाइस जारी करे, जो उसमें ग्राहक का प्रावधान हो और पुलिस ने कहीं ना कहीं प्रताड़